बैक टू ग्रेविटी सर्कल और मेरे क्लास के इलेवेंथ के प्यारे प्यारे बच्चों क्या पढ़ाई नहीं कर रहे हो देख रहा हूं मैं बहुत दिन से केयरलेस एटीट्यूड चलो मजाक मस्ती अपनी जगह पे पढ़ाई शुरू करते हैं सो so, पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को बताया स्पॉन्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे जिस पर स्पॉन्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो मतलब मैंने आपको बताया वो ये था कि कोई भी ऐसी प्रोसेस कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने आप हो जाए जैसे पानी पड़ा हुआ है अपने आप उसने सन से एनर्जी ले ली सन से एनर्जी खींच ली और भाप बन के उड़ गया लेकिन इस प्रोसेस में प्रॉब्लम यह आ गई कि पानी ने एनर्जी ली पानी ने एनर्जी ली दैट मींस पानी का इंथेल्पी चेंज हो गया पॉजिटिव मतलब पानी का भाप बन के उड़ना एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया उसके अलावा हम लोगों ने जैसे रूम में चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो जाना कार्बन का एक बार उसको आग लगा के चिंगारी लगा के उस कोयले का लगातार सुलगते रहना जब तक कोयला है मीथेन या एलपीजी गैस को लाइटर से एक चिंगारी लगाकर जला देना उसके बाद उसका लगातार जलते रहना ये सारी प्रोसेस एक्सोथर्मिक थी जब आप गैस चालू करते हो और आग लग आग लगती तो आग से एनर्जी निकलती है आप उससे खाना पकाते हो उस एनर्जी का इस्तेमाल करके सो so, वो सारी प्रोसेस एक्सोथर्मिक थी लेकिन कुछ प्रोसेस एंडोथर्मिक थी लेकिन इन सभी प्रोसेस में एक बात कॉमन थी कि या तो यह खुद ब खुद हो गई या तो आपने एक बार इनिशिएट कर दिया उसके बाद ये अपने आप चलती है तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो साइंटिस्ट लोगों को एक बहुत कॉमन बात पता चली दैट मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक मतलब दुनिया में हर एक चीज भले ही वो एटम हो मॉलिक्यूल हो कंपाउंड हो केमिकल रिएक्शन हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी बॉडी हो वो चाहेगी कि वो अपनी हायर एनर्जी लेवल से यानी एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल यानी कि एक स्टेबल स्टेट में आ जाए तो वो क्या करती है जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको रिलीज करती जाती है अब जब वो एनर्जी रिलीज करेगी तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और उसके बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करके एक दूसरे फॉर्म में कम एनर्जी के साथ स्टेबल स्टेट में आकर बैठ जाएगी लेकिन यहां पर फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको सन से या आसपास के एनवायरमेंट से गर्मी हाय गर्मी अब्जॉर्ब करने की जरूरत क्यों पड़ती है और वो भाप बन के अपने आप क्यों उड़ जाता है समझ रहे हो बात को हमें उसको करने के लिए हमें एक्सटर्नली उस, उस पर कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है मुझे एक्सटर्नली उस पर कोई फोर्स um, लगाने की या उस पर एक्सटर्नली कुछ बॉडी लगाने की जरूरत नहीं है वो अपने आप ही हीट ले लेगा और अपने आप अपना काम करके भाप बन के उड़ जाएगा सो so, साइंटिस्ट लोगों को एक प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई साहब हर केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है वो मेरे हिसाब से एक्जोथर्मिक हो यह पक्का नहीं है कुछ कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस भी कुछ कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस भी स्पॉन्टेनियस हो जाती है तो जिसका पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था और हमारा वीडियो हमने यही खत्म कर दिया था आज हम लोग साइंटिस्ट लोगों के उस सेकेंड पॉइंट की तरफ चलेंगे जो उन्होंने स्टडी किया था दैट इज रैंडमनेस उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉइंट नोट करा दैट इज रेंडमनेस और डिस ऑर्डरनेस अब ये डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं देखो इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने क्या करा एक बल्ब लिया इन्होंने एक बल्ब लिया ये तो किडनी बन गई ये अरे बाबा रे बाबा इसका बायोलॉजी लीक हो जाता है बाबा तेरा बायोलॉजी संभाल के रखा बाबा बार बार तेरा बायोलॉजी लीक नहीं करने का देवा रे देवा देवा यहां पर इन्होंने क्या करा एक स्टॉप क्लॉक लगा दिया यहां पर इस तरीके से और इस बल्ब के अंदर इन लोगों ने नियॉन नाम की गैस भर दी इस बल्ब के अंदर कौन सी गैस भर दी

यहां पर इन्होंने भर दी हीलियम गैस क्या भर दी हीलियम गैस सो इन बल्ब भी इन्होंने भर दी यहां पर हीलियम गैस बस एक बात का ध्यान रखा गया दैट द गैस शुड बी इनर्ट ये जो इन बोथ द बल्ब इन बोथ द बल्ब द गैस फिल्ड इन बोथ द बल्ब द गैस फिल्ड शुड बी इनर्ट बेटा इनर्ट का मतलब नोबल गैसेस नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पर मैंने हीलियम नियॉन भरी है लेकिन इसका मतलब एक्चुअली ये होता है नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर नहीं तो पता चला तुमने इन दोनों बल्ब के अंदर रिएक्टिव गैसेज भर दी तो जब यह मिली तो कंपाउंड बन गया कोई रिएक्शन हो गई वो नहीं करना है हमको अभी क्योंकि फिनोमिन पढ़ना इसलिए हम लोगों ने इनर्ट गैसेस नॉन रिएक्टिव गैसेस रखी क्या ये चीज क्लियर हो गई अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा एक काम करते हैं हम लोग इन गैस का कलर बदल देते हैं क्योंकि आप लोगों को विजुअलाइज करने में आसानी होगी तो यहां पर लेट से हीलियम लाल कलर के डॉट से बनी हुई है और अभी जब आप देखोगे इट इज वेरी इजी टू से इट इज़ वेरी इजी टू क्लासीफाई दैट इन बल्ब भी वी हैव ही एंड इन बल्ब ए वी हैव नी ऑन इट इज़ वेरी इजी टू क्लासीफाई यहाँ पर चीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड है यहाँ पर चीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड है और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है सर प्रोबेबिलिटी यहां कैसे आ गई बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नियॉन इन बल्ब ए एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हीलियम इन बल्ब बी मैं बोलूंगा हंड्रेड परसेंट प्रोबेबिलिटी है पूरे पूरे चांसेस है कि बल्ब ए में न्यू मिलेगा और बल्ब बी में हीलियम मिलेगा तो जब चीजें ऑर्डर्ड होती है वेल well स्टेब्लिश होती है प्रॉपर तरीके से रखी हुई होती है प्रोबेबिलिटी उस केस में हाई होती है माना पक्का मेरे बात समझ में आ रही है दस अब मैंने क्या करा अब मैंने इन बल्ब के बीच में जो स्टॉप या जो स्टॉपर लगा हुआ था देवा रे देवा फिर तेरा किडनी लीक हो गया तारू के चक्कर में मेरा बाप गया मेरे बाप का गराज गया ये खांसी क्या चीज है देवा दो मिनट में चला जाएगा क्या हो रहा है हाँ तब मैंने क्या करा यहां से ये जो स्टॉपर लगा था ये मैंने निकाल दिया तो मैंने ये देखा कि बिना किसी झंझट के बिना किसी परेशानी के ये नियोन गैस इस तरीके से पूरे सिस्टम में फैल गई और बिना किसी झंझट के बिना किसी तकलीफ के हमारे जेठालाल जैसी तकलीफ के बिना किसी दिक्कत के हीलियम गैस भी फैल गई और आप देख रहे हो कि बिना शेक करे बिना स्टर करे बिना इसमें करे अपने आप इवनली मिक्स हो गई सो नाउ वी कैन सी दैट नीदर इन बल्ब ए एंड नीदर इन बल्ब बी हम यह नहीं कह सकते कि किसमें नियॉन है और किसमें है। तो यहां पर चीज क्या हो गई पूरी तरीके से डिस ऑर्डर्ड हो गई और अब यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हीलियम इन बल्ब ए इज लेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नियोन इन बल्ब ए इज लेस सिमिलरली गोस फॉर बी तो यहां पर जब चीजें डिसऑर्डर्ड हो जाती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है लेकिन गाइस मुझे एक बात बताओ जैसे ही मैंने ये स्टॉपर हटाया क्या ये गैस अपने आप मिक्स हो गई हां सर मिक्स तो अपने आप हो गई हमने कुछ भी नहीं करा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट दिस इंटरमिक्सिंग दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट गैसेस दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट गैसेस इज अ प्रोसेस क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो गैसेस की इंटरमिक्सिंग हुई है ये एक प्रकार की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो अपने आप हो गई बाय इट्स ओन इट टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन हमें या आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ये खुद ब खुद हो गई तो यहां पर तो कोई खास एनर्जी चेंज हुआ नहीं गैस का आपस में इंटरमिक्स हो जाने पर जो चेंज है वो तो तो जीरो ही रही तो फिर ये प्रोसेस अपने आप कैसे हो गई तो यहां पर साइंटिस्ट लोगों को एक बात पता चली कि इस दुनिया में एक फिनोमिन एक ड्राइविंग फोर्स तो ये होता है कि हर इंसान चाहता है कि उसको स्टेबिलिटी मिले यानी वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आ जाए और दूसरा एक केस होता है कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर सब्सटेंस हाईली ऑर्डर्ड चीज से लेस ऑर्डर्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है हाईली प्रोबेबिलिटी से लेस प्रोबेबल की तरफ जाने की कोशिश करता है क्या यह बात समझ में आ रही है मतलब गैसेस अगर हाईली ऑर्डर्ड हैं तो वो हाईली ऑर्डर्ड तरीके से प्लेस होना हाईली ऑर्डर्ड या हाई प्रोबेबिलिटी के साथ सिर्फ एक बल्ब में रहना पसंद नहीं करेगी वो चाहेगी कि सब आपस में mix हो जाएं। और एक randomness बढ़ जाए, एक रैंडम हो जाए यानी कि अगर मैं इस बल्ब में हाथ डाल के गैस निकालू तो मेरे हाथ में रैंडमली हीलियम भी आ जाए और नियॉन भी आ जाए दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाए तो वो हायर प्रोबेबिलिटी से लोअर प्रोबेबिलिटी की तरफ या हाई ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगी क्या बात समझ में आ गई एंड दिस इज कॉल्ड एस रेंडमनेस तो यहां पर साइंटिस्ट लोगों ने हमारे एक्सपेरिमेंट करके ये बात पता लगा दी ये बात हमें कह दी डेट एवरी सिस्टम इन द नेचर एवरी सिस्टम इन द नेचर ट्राइज टू मूव From the higher or ordered form to less ordered or less probable, less order. और लेस प्रोबेबल फॉर्म यानी आपको यहां पर गैसेस को मिक्स करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है गैसेस ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएंगी गैसेस ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाएंगी और यह भी एक तरीके की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और यहां से यहां प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने में किस चीज ने काम करा ये एक ड्राइविंग फोर्स ने काम करा यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या कहता है कि नेचर ही ऐसा है यह दुनिया ही ऐसी है कि हम लोग मच क्लासिफाइड फॉर्म से लेस क्लासिफाइड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अगर यह आपकी क्लास है सेक्शन बी और यह सेक्शन सी है दोनों में गुंडे बैठे हैं तो जैसे ही टीचर जाएगा दोनों सेक्शन भी सो जाएंगे और लो 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 नाचना शुरू कर देंगे कोरोना की वजह से आप आपके घर में बैठे हो आपके रिश्तेदार अपने घर में बैठे हैं कोरोना ने रोक रखा है जैसे ही कोरोना हटा मिक्स हो जाएंगे भाई कौन अपने घर में अकेला बैठना पसंद करेगा समझ रहे हो तो हम लोग सब मिलना चाहते हैं हम लोग सब इकट्ठे होना चाहते हैं क्यों क्योंकि अभी एक जगह पर एक जैसे बैठे रहेंगे तो हम ऑर्डर्ड है नहीं ऑर्डर्ड किस पसंद है बाबा झुंड में तो सुअर चलते हैं शेर कहीं भी घुस जाता है यो मैन समझ में आ रही है बात भेड़ चाल एक के पीछे एक एक के पीछे एक हम लोग नहीं करते हम लोग कहीं भी घुस जाते हैं गाड़ी लेके कहीं भी घुस जाएंगे गली में घुस जाएंगे डिसऑर्डर तो गाइज ये दूसरा ड्राइविंग फोर्स हम लोगों को पता चला दैट इज कॉल्ड एज रेंडम एंड डिसऑर्डरनेस तो गाइज यहां पर ओवरऑल हम लोगों के पास में अब दो ड्राइविंग फोर्स आ गए पहला इंथेल्पी चेंज यानी इंथेल्पी यानी एनर्जी कम करना और दूसरा रेंडमनेस बढ़ाना तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं पहला एनर्जी डिक्रीज करना और अगर किसी किसी कंडीशन में एनर्जी डिक्रीज ना होती हो एनर्जी बढ़ती हो तो वो एनर्जी क्यों बढ़ा रहा होगा ताकि उसकी रेंडमनेस बढ़ जाए चीज को लिंक करेंगे पहले जरा इसका स्क्रीन ले लो एक मिनट ठीक है तो गाइस स्क्रीन ले लिया अब यहां पर हम इस चीज को जस्टिफाई करके रखते हैं अब हम जरा इस चीज को यहां पर उठा के देख लेते हैं कि ये क्या बोलना क्या चाह रहा है देखो बोलना गाइस ये चाह रहा है कि अगर आपके पास में वाटर है और वो सॉलिड फॉर्म में यानी वाटर यहां पर आइस के फॉर्म में है तो इट इज वेरी मच ऑर्डर्ड साले के सारे पार्टिकल्स पास पास पार्टिकल तो ये क्या है? बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड है दे आर हाईली तो पानी क्या करेगा अपने आप को स्पॉन्टेनियसली मेल्ट कर लेगा मेल्टिंग हो जाएगी फ्यूजन बोलते हैं इसको कुछ लोग केमिस्ट्री में वैसे आप इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हो जिसमें ये पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाए और जब पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाते हैं तो यू कैन सी दैट दे आर लेस ऑर्डर्ड अब इनका जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था वो कम हो गया भले ही भले ही यहां पर इंथेलपी चेंज आपको पॉजिटिव दिखे मतलब भले ही यह प्रोसेस एंडोथर्मिक दिखे लेकिन यहां पर अब मैं इस चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं कि क्यों इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ने एनर्जी अब्जॉर्ब करी तो अब आप इसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि आइस ने एनर्जी अब्जॉर्ब करी ताकि वो लिक्विफाई हो जाए क्यों ताकि वो हाई ऑर्डर से लेस ऑर्डर की तरफ जा सके और यह करने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता है इसलिए उसने ऐसा करा कूल, cool? आपके पास में अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में है यानी आपके पास में वाटर है और वाटर यहां पर वेपोराइजेशन के थ्रू वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि यह प्रोसेस प्लस 44 किलो जूल्स कल हमने वैल्यू पढ़ी थी इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करती है पर स्पॉन्टेनियस होती है पर अगेन इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो यहां पर क्या रीजन होगा यहां पर भी आप इसको ऐसे ही जस्टिफाई करोगे कि यहां पर यह लेस ऑर्डर्ड तो था लेकिन यह पूरी तरीके से रेंडम होने के लिए यहां पर यह मोर रेंडम होने के लिए अपनी रेंडमनेस बढ़ाने के लिए इसने एनर्जी करी तो ये प्रोसेस क्यों है क्योंकि ये हाई से तरह, से लेस लेस की की तरफ तरफ मोर होने जाना चाहती है अपनी रेंडमनेस बढ़ाना चाहती है और रेंडमनेस बढ़ाने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत है तो इसने एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को हम इसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड नाम का सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में था और जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम लोग सब जानते हैं ये लेटाइस फॉर्म में होता है क्योंकि ये आयोनिक सब्सटेंस है इसके ऐसे लेटाइस होंगे जैसे ये पानी में जाएगा अमोनियम आयंस अलग हो जाएंगे क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे ये अब पूरी तरीके से फ्री फॉर्म में आ गया पूरी तरीके से पानी में फैल गया अमोनियम अलग क्लोरीन अलग अमोनियम अलग क्लोरीन अलग तो इसने अपने आप को हाईली ऑर्डर्ड से हाई ऑर्डर्ड से इसने अपने आप को लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और अगर इसके लिए इसको एंथेल्पी चेंज करनी पड़ी तो क्या परेशानी है क्या परेशानी है कि इसकी इंथेल्पी पॉजिटिव आए तो हमेशा इंथेल्पी चेंज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इंथेल्पी हमेशा कम होना यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना स्पॉन्टेनिटी को नहीं बताता कभी कभी आपको ऑर्डर्ड बिहेवियर को या उसके ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को भी देखना होता है तो गाइज यहां पर आपके पास में दो इंपॉर्टेंट चीजें बन चुकी है जो आपको यह एक्सप्लेन करेगी कि कोई भी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस क्यों होती है क्या यह बात समझ में आ रही है जल्दी से इन तीनों एग्जाम्पल्स का स्क्रीन शॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड ठीक है चलिए और गेंदी और गेंदी पों जब हम क्लास ट्वेल्थ में थे नहीं क्लास टेंथ या इलेवेंथ में थे तभी गाना आता वो गेंदी और दी जेम गेंदी इतने साल बाद मुझे पता चला कि वो गेंदी पों है ही नहीं और बेबी पंप अप दे जैम बेबी ऐसा कुछ है वो सो आई वॉज माई होल लाइफ वॉज अ लाई ठीक है चलता है सो वॉट आर द ड्राइविंग फोर्सेस सो वॉट आर द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे वो कौन से ड्राइविंग फोर्सेस है बेटा ड्राइविंग फोर्सेस का मतलब समझ गए ना ड्राइविंग फोर्सेस का मतलब वो फोर्सेस जो एक प्रोसेस को ऑटोमेटिकली होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉट आर द ड्राइविंग फोर्सेस तो आप लिखेंगे फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऐसा लिख लेते हैं द फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस बिहेवियर ऑफ अ प्रोसेस एक प्रोसेस क्या स्पॉन्टेनियस बिहेव करने के पीछे अपने आप हो जाने की वजह से अपने आप होने के लिए जो फोर्स काम करता उसको तो क्या बोलते हैं ड्राइविंग फोर्सेस तो क्या इस देर आर टू ड्राइविंग फोर्सेस पहला एनर्जी चेंज और कैसा चेंज फ्रॉम हायर टू लोअर और अगर यह फैक्टर काम नहीं कर रहा है तो दूसरा क्या इंक्रीज रैंडमनेस और डिक्रीज प्रोबेबिलिटी ये दो फैक्टर आपके ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं बिहाइंड ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है प्यारे बच्चों अब इंथेल्पी को मेजर करना तो हमें आता है भाई डेल्टा एच को मेजर करने के हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जो भी हो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ना फर्स्ट लॉ में डेल्टा एच इसलो डेल्टा यू प्लस पी वी डेल्टा पी वी वो तरीका है इंथेल्पी आप लोग बॉम्ब कैलोरी मीटर से निकाल सकते हो इंथेलपी निकालने का और भी कई बार तरीका होता है लाइक हीट अब्जॉर्ब और हीट रिलीज वर्क डन डेल्टा एच बाई डेल्टा यू बहुत सारे तरीके हम लोगों ने इंथेल्पी निकालने के सीखे पूरा अगर आप एक बार हर्मोडाइनमिक रिवाइज करोगे तो आपको एंड नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे इंथेलपी निकालने के तो अगर मैं चाहूं पता लगाना कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और अगर वो एंथेल चेंज के रास्ते से या स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रही है तो तो मैं कैलकुलेट करूं ये रैंडमनेस कैसे पता कि एक रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रही है उसकी रेंडमनेस कितनी है उसमें रैंडमनेस कैसे कैलकुलेट करूं मुझे यह पता लगाना है तो अब चलते हैं हमारे नए थर्मोडाइनेमिकल फंक्शन की तरफ जिसका नाम है एंट्रोपी बट उसके पहले स्क्रीन शॉट लो ठीक है गाइस चलो तो हम अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और एक नया वर्ड यहां पर आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे बोला जाता है एन ट्रो पी बच्चों एंट्रोपी को डिनोट किया जाएगा कैपिटल एस के साथ अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज एंट्रोपी तो एंट्रोपी इज द इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस यानी एक सिस्टम के अंदर रैंडमनेस किस हद तक है उसको मेजर करने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे एंट्रोपी का जिस तरीके से आप लोगों ने इंथेल्पी इंटरनल एनर्जी देखी थी वो लोग स्टेट फंक्शंस थे ये भी एक स्टेट फंक्शन है दैट इज इट्स होल वैल्यू विल ओनली विल ओनली डिपेंड ऑन इट्स होल वैल्यू विल ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन यानि किस रास्ते से इसकी वैल्यू इनिशियल से फाइनल की तरफ आई है कोई भी प्रोसेस के पहले क्या रेंडमनेस थी क्या एंट्रॉपी थी प्रोसेस के खत्म होने के बाद क्या एंट्रॉपी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस दट्स इट कैसे एंट्रोपी चेंज हुई उससे हमें कोई लेना देना नहीं है यह एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है यह एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है अगर आप लोगों को डेल्टा एस निकालना है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल बस यह तरीका आपके पास में होना चाहिए टू फिगर आउट वॉट इज एंट्रोपी हम लोग सब जानते हैं एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रेंडमनेस सो अगर इफ आपने किसी सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज कर दी अगर आपने किसी सिस्टम की रेंडमनेस इंक्रीज कर दी मतलब उस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी बिकम्स लेस देअरफोर देयरफोर जो आपकी रिएक्शन है या आपकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है इट बिकम्स स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब आपने अगर रेंडमनेस बढ़ा दी तो प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी हमने थोड़ी देर पहले सीखा रेंडमनेस बढ़ना मतलब उसके अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाना और डिसऑर्डरनेस बढ़ जाना मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाना तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी अब मान लीजिए एक प्रोसेस है जो ए से बी की तरफ चल रही है इसकी स्पोटेनिटी को स्पॉन्टेनिटी को मैं स्पॉन्टेनिटी फाइनल बोलता हूं तो गाइज वॉट इज डेल्टा एस एस फाइनल माइनस एस इनिशियल हमने रेंडमनेस बढ़ाई है रेंडमनेस बढ़ाई है मतलब फाइनल वाले की रेंडमनेस इनिशियल वाले से ज्यादा होगी तभी तो रेंडमनेस बड़ी भाई इसकी रेंडमनेस कम होगी इसकी रेंडमनेस ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी बड़े में से छोटा गया तो आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव तो हमेशा ध्यान रखिएगा इफ यू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज इफ यू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज रिएक्शन विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और अगर आपकी डेल्टा एस नेगेटिव हो गई ये कब होगी जब इनिशियल की वैल्यू फाइनल से ज्यादा है और अगर फाइनल की वैल्यू ज्यादा इनिशियल की वैल्यू कम है मतलब यहां पर आप लोगों ने जो रैंडमनेस है वो आपने घटा दी रैंडमनेस डिक्रीजेस और अगर रैंडमनेस कम हो गई तो रिएक्शन कैसी रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस तो एक बात हमेशा ध्यान रखना हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव लेकर चलना हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस आपको क्या लेकर चलना पड़ेगा पॉजिटिव लेकर चलना पड़ेगा गाइस अभी जब मैं आपको गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ाऊंगा ना तब यह डेल्टा एस बहुत जरूरी रहेगा इंपॉर्टेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है यार लल्लू है स्क्रीनशॉट लो जरा इसका फिर आगे चलते हैं स्क्रीनशॉट लो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और इंपॉर्टेंट बातें करना शुरू करते हैं अब गाइस एंट्रोपी का मतलब क्या है रेंडमनेस अब मुझे एक बात बताओ आप मुझे खुद एक बात बताओ अगर आपको एक सॉलिड की रेंडमनेस बढ़ानी है या अगर आपको एक लिक्विड की रेंडमनेस बढ़ानी है तो शुरुआत में अगर आपके पास में सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है मतलब बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड है तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा मुझे इसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी भाई बिना हीट प्रोवाइड करे बिना एनर्जी प्रोवाइड करे मैं इस पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कैसे तोड़ पाऊंगा तो मुझे इस हाईली ऑर्डर्ड सब्सटेंस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ के इसे दूर दूर करने के लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इसकी क्या बढ़ जाए इसकी रैंडमनेस बढ़ जाए तो गाइस पहला पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे दैट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रैंडमनेस ऑफ एनी सब्सटेंस हीट यानी कि क्यू मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम मतलब आपको सिस्टम को हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो देयर फोर मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट चेंज इन एंट्रॉपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू याने आप जितनी हीट दोगे आप जितनी हीट प्रोवाइड करोगे उतनी उसकी रेंडमनेस बढ़ेगी तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह अपन इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं मतलब चलो अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला पॉइंट रखो समझ में आ रही बात आपको क्या यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं तो हम यहां पर लिखेंगे दैट एस हीट इंक्रीजेस डेल्टा एस ऑल्सो इंक्रीजेस तो यहां पर क्या बस यही रिलेशनशिप है नहीं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया एंड दैट वाज टेम्परेचर साइंटिस्ट लोगों ने जब यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करे तो उन्होंने क्या करा एक सिस्टम लिया फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ए था इसको जीरो डिग्री सेल्सियस पर लेट से हंड्रेड किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी प्रोवाइड करी और देखा कि इसकी रेंडमनेस पर क्या असर पड़ा तो यह पाया कि इसकी रेंडमनेस इंक्रीज हो गई फिर सेम सिस्टम को इन्होंने हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर हंड्रेड किलो जूल पर मोल की एनर्जी प्रोवाइड करी यानी एनर्जी इन्होंने दोनों केसेस में क्या करा एनर्जी इनने दोनों केसेस में सेम प्रोवाइड करी लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहां पर इनको जो रेंडमनेस थी यहां पर जो रेंडमनेस थी इट इंक्रीजेस बट वेरी स्लाइटली रेंडमनेस बढ़ी लेकिन कैसी बढ़ी बहुत स्लाइटली बढ़ी ट मींस यहां पर जो टेम्परेचर है वो एक की रोल प्ले कर रहा है इन इंक्रीजिंग ऑफ रेंडमनेस अब सर ऐसा क्यों मेरी बात समझना देखो बहुत ईजी पॉइंट है जीरो डिग्री सेल्सियस पर तुम्हारे पास में पानी मैं पानी का एग्जाम्पल लेकर चलता हूं बर्फ के फॉर्म में होगा मतलब वो हाईली ऑर्डर्ड होगा अब अगर आप इसको 100 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दे रहे हो तो वो बहुत ज्यादा बिखर जाएगा और उसकी जो रेंडमनेस है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी जीरो डिग्री सेल्सियस पर लेकिन अगर आपने सिस्टम को सौ डिग्री पर लिया तो बेटा सौ डिग्री पर तो वो ऑलरेडी रेंडम होगा अब अगर आप इस रेंडम सब्सटेंस को इतनी एनर्जी दे भी दोगे तो उसकी रेंडमनेस में ज्यादा फर्क थोड़ी आएगा वो थोड़ा और ज्यादा रेंडम हो जाएगा और क्या होगा समझ रहे हो तो यहां पर इनिशियल और फाइनल के अंदर कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ रहा लेकिन अगर चीज जीरो डिग्री सेल्सियस पर है तो उसकी इनिशियल रेंडमनेस बहुत कम है ना के बराबर है लेकिन उसकी फाइनल रेंडमनेस यूजली चेंज हो गई क्या यह बात समझ में आया हा अब आया समझ में फंडा समझ में आया कूल तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई पहली हीट दी तो रेंडमनेस बढ़ी और दूसरा क्या दैट वेन टेम्परेचर इज हाई चेंज इन रेंडमनेस चेंज इन रेंडमनेस और वी कैन से डेल्टा एस इज नॉट हाई सो देअर फॉर ओवरऑल जो तुम्हारा फॉर्मूला बना डेल्टा एस का वो क्या बनेगा क्यू बाय टी मतलब जब आप किसी सिस्टम को लो टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड करोगे तो उसकी एंट्रोपी जो है वो ज्यादा चेंज होगी ये बनता है इसका फॉर्मूला ऐसे बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म्यूला अरे सर ऐसा था क्या अरे यार मजा आ गया बहुत इजी था बहुत बहुत ज्यादा इजी था आई वुड से हलवा था चलो स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों का जल्दी से जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ठीक है चलिए बहुत शानदार बहुत प्यारा और बहुत उमदा परफॉर्मेंस मेरे प्यारे बच्चों का बिल्कुल 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 किसके जैसा एबीडी जैसा थ्री सिक्सटी डिग्री परफॉर्मेंस चलो अब गाइस फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक आइसोलेटेड सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज देयर अब एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हो रही है तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्यू की वैल्यू जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना डेल्टा एस शुड ऑलवेज बी जीरो शुड ऑलवेज बी जीरो कब कब व्हेन डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो दूसरा एक बहुत जरूरी पॉइंट किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीजेस अप टू इक्विलिब्रियम किसी भी एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी इक्विलिब्रियम तक तो बढ़ती है बट ऑन अचीविंग इक्विलिब्रियम बट ऑन अचीविंग इक्विलिब्रियम बट ऑन अचीविंग इक्विलिब्रियम डेल्टा एस बिकम्स जीरो सर रीजन बताओ रीजन बताओ देखो जैसे मान लो इक्विलिब्रियम कब आएगा इक्विलिब्रियम सिर्फ तब आएगा जब प्रोसेस कैसी हो जाए रिवर्सिबल यानी दुनिया में जितनी है रिवर्सिबल प्रोसेस उसी में इक्विलिब्रियम आएगा तो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास में एच टू आई टू के साथ रिएक्ट करके टू एच आई बना रहा है तो यहां पर जो इंथेल्पी चेंज आएगा वो आएगा लेट्स से माइनस फोर्टी किलो जूल्स पर मोल अब प्रोसेस रिवर्सिबल का मतलब होता है कि उसी समय टू एच आई वापस से टूटे और एच टू और आई टू बना ले तो यहां पर डेल्टा एच प्लस 40 किलो जूल्स पर मोल हो जाता है अब गाइस इक्विलिब्रियम पर क्या होता है जब एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है तो उसे इस डबल हेडेड एरो से शो किया जाता है मतलब मान लो केमिकल रिएक्शन की शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो ये तुम्हारे पास में हंड्रेड हंड्रेड ग्राम थे और प्रोडक्ट तुम्हारे पास में जीरो ग्राम था टाइम टी पर इक्विलिब्रियम आ गया लेट से कि ये चालीस ग्राम बचा ये चालीस ग्राम बचा और ये साहठ ग्राम बन गया साहठ नहीं सॉरी एक सौ बीस ग्राम बन गया भाई सिक्सटी प्लस सिक्सटी एक सौ बीस बन गया ठीक है अब जैसे ही एक जैसे ही दो ग्राम हाइड्रोजन दो ग्राम आयोडीन के साथ कंबाइन होगा ताकि चार ग्राम एच बन सके ठीक उसी वक्त ठीक उसी वक्त चार ग्राम एच टूटेगा ताकि वापस से दो ग्राम आयोडीन और दो ग्राम हाइड्रोजन बना सके तो यहां पर जो नेट प्रोसेस होगी वो वापस से फोर्टी फोर्टी और वन ट्वेंटी पर आ जाएगी मतलब तुमको यहां पर क्या लगेगा कि रिएक्शन रुक गई तुमको यहां पर क्या लगेगा कि रिएक्शन रुक गई क्यों क्योंकि जैसे ही एच टू और आई टू रिएक्ट करके एच आई बनाएंगे इक्विलिब्रियम पे तुरंत एच आई टूट कर एच टू और आई टू बना लेगा यानी तुमको लगेगा रिएक्शन हुई नहीं मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कि रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बन रहा है तो शुरुआत में आप देखो एच टू आई टू टूट रहा है एच हाँ आई बन रहा है एच टू आई टू जुड़ रहा है एच हाँ आई बन रहा है एच टू आई टू जुड़ रहा है एच हाँ आई बन रहा है तो शुरू में प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए एंट्रोपी बढ़ रही है लेकिन इक्विलिब्रियम पर अब जैसे ही प्रोडक्ट बना जैसे ही प्रोडक्ट बना वैसे प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट बना लेगा तो अब प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमने इंथेलपी रिलीज करी और प्रोडक्ट टूटा प्रोडक्ट टूटा और रिएक्टेंट बनाया उसने इंथेल्पी रिलीज करी तो जितनी एनर्जी तुमने दी प्रोडक्ट बनाने के लिए उतनी एनर्जी उसने सॉरी जितनी एनर्जी छोड़ी प्रोडक्ट बनने के बाद जितनी एनर्जी छोड़ी उतनी एनर्जी उसने वापस ले ली ताकि प्रोडक्ट के रिएक्टेंट बन सके देखो तुमने H2 और I2 को जोड़ के एच बनाया इक्विलिब्रियम पे 40 किलो जूल की एनर्जी छोड़ी लेकिन ये एनर्जी रिएक्शन ने वापस अब्जॉर्ब कर ली क्यों क्योंकि अब प्रोडक्ट को वापस से टूटना है रिएक्टेंट के अंदर तो इक्विलिब्रियम के अंदर जब देर इज नो चेंज इन इंथेल्पी जब इंथेल्पी में चेंज नहीं होगा तो ना तो नई हीट अब्सॉर्ब करी जाएगी ना तो नई हीट छोड़ी जाएगी तो इक्विलिब्रियम पर भी क्यू जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एस भी आपका जीरो हो जाएगा पॉइंट समझ में आ रहा है पॉइंट समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए रिलीज तो होती है लेकिन टूट के रिएक्टेंट बनाता है जैसे रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं और एनर्जी छोड़ रहे ठीक उसी वक्त वही प्रोडक्ट वापस से टूट के रिएक्टेंट बनाएगा तो जितनी एनर्जी प्रोडक्ट बनने पर छोड़ी जाएगी उतनी एनर्जी रिएक्टेंट बनाने के लिए अब्जॉर्व करनी पड़ेगी तो नो चेंज इन इन यानी कि ना हीट अब्जोर्व हो रही है एक्स्ट्रा ना रिलीज हो रही है क्यू जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर क्यू जीरो तो डेल्टा एस भी जीरो हो जाएगा इसको भी नोट कर लीजिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत अच्छा तो गाइस यहां पर हम लोगों ने दो बातें पता कर ली अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में जो रिएक्शन हो रही है वो आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं है यहां पर सिस्टम भी है और सराउंडिंग में और उनके बीच में हीट एक्सचेंज भी है तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो टोटल इंथेल्पी टोटल एंट्रोपी होगी दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कैसे देखो मैं बताता हूं जैसे मान लो ये आपकी रिएक्शन हो रही है यहां पर आपके पास में एक मच ऑर्डर्ड एक मच ऑर्डर्ड सॉलिड रखा और ये आपका सराउंडिंग है और सराउंडिंग में आपकी ऑलरेडी गैसेस अवेलेबल है सराउंडिंग में ऑलरेडी आपकी गैसेस अवेलेबल है तो अभी इसकी रेंडमनेस कुछ होगी अभी इसकी रेंडमनेस कुछ होगी सराउंडिंग की क्या लिखू मैं इसको एस ऑफ इसकी एंट्रोपी होगी एस ऑफ सिस्टम वन अब मैंने इसको हीट प्रोवाइड करी हीट प्रोवाइड करने की वजह से अब इसकी रेंडमनेस बढ़ गई तो इसकी रेंडमनेस बढ़ने की वजह से सिस्टम की अब जो रेंडमनेस हो गई वो हो गई सिस्टम टू अब ये रेंडमनेस बड़ी कायम है भाई अगर तुम्हारी जमीन पर गिरा हुआ पानी भाप बन के उड़ेगा तो जाएगा सराउंडिंग में तो, वो के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो उसकी वजह से अब आपके की भी एंट्रोपी चेंज हो जाएगी तो इन दोनों का डिफरेंस क्या लाएगा एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग और इन दोनों का डिफरेंस क्या लाएगा सराउंडिंग चेंज ऑफ द सिस्टम तो बेटा इन दोनों का सम हमेशा आपको इस पूरे यूनिवर्स की इस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज के बराबर रहेगा क्या बात समझ में आ गई क्या इसके अंदर कोई दिक्कत पक्की बात श्योर है अब एक बात हमेशा ध्यान रखना एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों का सम हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाई तो सराउंडिंग की एंट्रोपी घटा दी अगर ऐसा होगा तो इनका सम जीरो हो सकता है या नेगेटिव में जा सकता है या ऐसा कभी मत करना कि सिस्टम की एंट्रोपी कम कर दी और सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ा दी ऐसे केसेस में भी ये जीरो हो सकता है यानी अगर सिस्टम की रेंडमनेस या एंट्रोपी बढ़ रही है तो सराउंडिंग की भी बढ़ाना ताकि आपका टोटल बढ़ा रहे या सराउंडिंग से सिस्टम की एंट्रोपी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि अगर इसकी कम भी हो रही हो तो इनका नेट सम कितना रहे हमेशा पॉजिटिव लेकिन अगर आपको एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बना के रखनी है लेकिन अगर आपको लेकिन अगर आपको एक सिस्टम को स्पॉन्टेनियस बनाए रखना है तो इन दोनों का सम हमेशा किससे बराबर होना चाहिए बड़ा होना चाहिए जीरो से तो एक बात हमेशा ध्यान रखना डेल्टा टोटल यानी कि यूनिवर्स भी बोल सकते हो शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड शुड नेवर बी नेगेटिव इस बात का प्यारे बच्चों ध्यान रखना अब इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जैसे केस वन केस वन क्या डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव हो और उसी समय डेल्टा सराउंडिंग भी पॉजिटिव हो केस टू सिस्टम की वैल्यू नेगेटिव हो लेकिन सराउंडिंग की वैल्यू पॉजिटिव हो लेकिन यहां पर सराउंडिंग की वैल्यू शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन सिस्टम की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर सराउंडिंग की वैल्यू 100 किलो जूल पर मोल है और सराउंडिंग की माइनस नाइन्टी हो जाए तो ये बड़ा है तो ओवरऑल आपको वैल्यू टेन मिलेगी और ये पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगी केस थ्री क्या हो सकता है प्यारे बच्चों डेल्टा सिस्टम एस पॉजिटिव हो जाए और डेल्टा सराउंडिंग एस नेगेटिव हो जाए लेकिन यहां पर ध्यान रखना सिस्टम की वैल्यू एंट्रोपी चेंज की आपके सराउंडिंग से बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए क्या बात समझ में आ गई लेकिन दोनों की कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए केस फोर हमेशा ध्यान रखना बहुत नेगेटिव। तो फिर ये केस गलत हो जाएगा फिर डेल्टा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो गाइस ये हो गई आपकी एंट्रोपी की सारी सारी आई रिपीट सारी सारी बातें अब हम इसको जोड़ेंगे गिव्स फ्री एनर्जी के साथ बट इन द नेक्स्ट वीडियो आज इतना नोट कर नोट कर लो आज इतना पढ़ लो और अब अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना अब बहुत जल्दी हमारा चैप्टर खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है इतना आपको आ, एंट्रोपी के अंदर पढ़ के रखना है ठीक है एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रखना फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये पॉइंट हमेशा दिमाग में बैठाए रखना ठीक है तो चलिए गाइज आज का वीडियो यही खत्म करते हैं आई होप आपको मजा आया होगा तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बाय अ ग्रेट डे